स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षक को भगवान, मगर राजस्थान में इन मंदिरों से ही पेपर लीक का बड़ा खेल चल रहा है। अब सवाल है, इसका भगवान कौन है, जिसकी सह पर प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के संभव नहीं हो पा रही है। राजस्थान में परीक्षा पेपर लीक अब कोई नई खबर नहीं है, लगता है तय हो गया है, परीक्षा होगी तो पेपर लीक होगा, भले ही सरकार लाख नियम कानून बना ले। अब सवाल है, सरकार इस सख्ती का डर इन पेपर लीक वालों को क्यों नहीं है। हाल ही में प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी, राजस्थान तक ने भरतपुर से कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए कैसे पुलिस ने लड़कियों के कपड़े काटने से लेकर उनके सुहाग वाले गहने तक उतरवा दिए थे। मगर चंद दिन बाद ही पेपर लीक की खबर आ ही गई। अब इस पेपर लीक के तार भी रीट की तरह ही एक स्कूल से जुड़ रहे हैं। रीट मामले में आरोपी मास्टरमाइंड रामकृपाल मीणा और उसके स्कूल वाली दास्ता तो याद ही होगी। एडिटर शरद कुमार की लगातार कवरेज और राजस्थान तक पर खबर चलने के बाद सरकार ने उस पर बुलडोजर चलवा दिया था। अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक के तार भी ऐसे ही एक शिक्षा के मंदिर से जुड़ रहे हैं। शिक्षक और शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल की कहानी तो और भी दिलचस्प है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग की ओर से दिवाकर पब्लिक स्कूल पर कार्रवाई लगातार जारी है। दो दिन पहले शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए जहां स्कूल की मान्यता रद्द करने का फैसला लिया, तो वहीं निदेशालय की ओर से गठित की गई टीम ने दिवाकर स्कूल पहुंचकर सील खोलते हुए स्कूल का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर अन्य खामियों की भी जाँच की। पड़ताल में सामने आया कि सभी स्कूल एक ही भवन से संचालित किए जाते हैं। जांच में पता चला कि चारों स्कूलों में सचिव मुकेश शर्मा और प्रिंसिपल उसकी पत्नी है। आशंका जताई जा रही है कि कोविड के दौरान बंद हुई तीनों स्कूलों की मान्यता दिवाकर स्कूल के संचालक ने अपने नाम करवा ली। दूसरी ओर उजागर हुआ कि दिवाकर स्कूल के पास 10वीं कक्षा तक मान्यता थी, जबकि स्कूल में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई कराई जा रही थी। शिक्षा अधिकारियों की माने तो ऐसे फर्जीवाड़े आरटीई का फर्जी भुगतान उठाने के लिए किए जाते हैं। अधिकारियों के अनुसार चार स्कूलों के नाम पर बच्चों का प्रवेश आरटीई के तहत लिया जाता है, एक ही स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। इधर एक ही स्कूल में तीन अन्य स्कूलों के संचालन का मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि 14 मई को दूसरी पारी में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर झोटवाड़ा स्थित दिवाकर पब्लिक स्कूल से आउट हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालक सहित 15 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने 24 मई को स्कूल की मान्यता को रद्द करते हुए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अन्य स्कूलों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।